और देखिए आज हम आपको लुधियाना शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें कभी कोई हमें बुलाता तो नहीं है, लेकिन जब हमें किसी दोस्त से पता चलता है कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जो पत्रकार लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। हम सोशल मीडिया वाले हैं या हम सोशल वर्कर हैं, तो हमें कहीं से इन्विटेशन वगैरह नहीं आता, लेकिन जहाँ कुछ होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम वहाँ पर क्या हो रहा है यही दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग ढंग की जो अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं लुधियाना शहर में उनके बारे में बताते रहते हैं लोगों को। तो पब्लिक को चाहिए कि जो हमारा ये चैनल है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो कभी चीज़ें नहीं पहले देखी हम बहुत दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि हमारे को कोई बुलाता नहीं, जैसे बुलाते कांग्रेस हो, आप हो, काली हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमें कोई नहीं बुलाता, लेकिन हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चलो चलिए हम बीजेपी के ऑफिस में चलते हैं। घंटाघर है, घंटाघर में जो बीजी रोड है, जहाँ पर देखे, जहाँ पर ये लुधियाना शहर है, और लुधियाना शहर में ये घंटाघर जो अंग्रेज़ों के वक्त अंग्रेज़ों ने बनवाया था, तो आज यहाँ पर आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद लोग जो घूम रहे हैं, तो आज़ाद लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम दिखाने जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों के बाद हमारे जो आज़ाद लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ये पत्रकार जो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पत्रकारों को बुलाया जाता है, लेकिन हम बीच में वैसे ही थोड़ा सा अपना जो ये जो कुछ कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए जहाँ पहुंच गए हैं। तो देखिए जहाँ पर विजय वल्लभ सूर्य समुदाय के पूज्य गज अधिपति शांति दूत जैनाचार्य श्री मध्वत विजय नित्यानंद सूर्य सिर्व जी महाराज, ये यहाँ पर लुधियाना शहर में मंदिर की स्थापना के लिए, कल को 10 तारीख है, मंदिर की स्थापना है लुधियाना शहर। ये जो घंटाघर चौक है जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, और यहाँ पर एक मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर लगाओ ऊपर ऊपर, और ये मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस का शासन चल रहा है इस समय लुधियाना पंजाब में। तो ओपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस के ऑपोजिट जो है हमारी बीजेपी है, अकाली है, आप पार्टी है, लेकिन यहाँ पर अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों को चढ़कर जाएंगे जहाँ पर कॉन्फ्रेंस है आज, जहाँ पर पत्रकारों को बुलाया गया है, क्या करना है, क्या बातचीत है, हम आपको दिखाते हैं ऊपर चल कर। भाई उन बान ऊपर जा रहे हैं और हम धीरे धीरे बीजेपी के मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जो ऑफिस है लुधियाना शहर के, जो बीजेपी है ये पुराना है, यहाँ पर आज से नहीं, बहुत साल हो चुके हैं इसको। तो अंडागर चौक में बीजेपी का जो दफ्तर है, और इस समय हम धीरे धीरे जा रहे हैं उस तरफ जिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बीजेपी का मुख्यालय है, ये ऑफिस है, वो देखिए यहाँ पर बीजेपी नेता जो लोग हैं पहुँचने शुरू हो चुके हैं, और हम बता दें कि बिन बुलाए मेहमान हैं हम यहाँ पर। पहले इसे प्रिंटिंग होती थी, लेकिन आजकल ये पुरानी हो चुकी है, ये भी बाहर दफ्तर के बाहर ये जो और भी हैं यहाँ पर ऑफिस लोगों ने लिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसके आगे थोड़ा सा बीजेपी का दफ्तर है। संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होती है, संगठन में सूचना नहीं समझ होती है, संगठन में कानून नहीं और सुशासन होता है, संगठन में भय नहीं भरोसा होता है, संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है, संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है, संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है, संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है, संगठन में मैं नहीं हम होता है, संगठन में आत्म प्रशंसा नहीं सर्व सम्मान होता है, संगठन में तोड़ना नहीं जोड़ना होता है, इसलिए स्वयं को संगठन से जोड़ें, संगठन सामूहिक हित के लिए होता है। देखिए जाइए उनके जो बचा रहे हैं, ये बीजेपी वालों के जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए सामने बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई हैं, यहाँ पर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं हमारा, वो लोग हमारा हार्दिक स्वागत हो रहा है यहाँ पर। और जो नेतागण लोग हैं जो सामने इस समय चेयर पर विराजमान हो चुके हैं, वो हमें बताएंगे जो प्रेस वालों को कि यहाँ पर ये जो मीटिंग रखी हुई है इसके बीच में उन्होंने क्या विचार विमर्श करना है, क्या लोगों को संदेश देना है। दोस्तों, मंच पे विराजमान मेरे साढ़े
लीडर ऑफ द हाउस मार्शल दल के नेता सुनीता जी, जिला भाजपा जी साहब के इंचार्ज इंद्र अग्रवाल जी, मेरे नाल बैठे महामंत्री राम जी और हर्ष जी और मेरे उपाध्यक्ष। अज तो लगभग 24 दिसंबर को यह गलबात शुरू हुई, आपसी अनबन करके पेमेंट ना मिलन करके ए टू जेड कंपनी जिहड़ा कूड़ा चकदी भी सी, जिटिंग भी करती सी, सैग्रीगेट भी करती सी, सारा का काम करती सी, जिहदे कोल ठेका सी, उहने 45 दिन का नोटिस दे करके ये किया कि असी हुणे काम करदे नहीं, कोई रेटां दा पंगा हो सकता है, कोई होर गल हो सकती है। अगर कोई रेट का पंगा सी तो जो एग्रीमेंट लिखिया उहदे च लिखिया होना भी इन्नी इन्नी देर बाद इन्ना रेट वधूगा कि नहीं वधूगा, इस रेट कंपनी इन्नी देर काम करूगी। म्युनिसिपल कारपोरेशन लुधियाना नगर निगम के मेयर मानयोग बलकार सिंह जी ने उन्होंने कन से जो उन्हें 45 दिन का नोटिस दिता कि मैं 4 फरवरी तक काम बंद, इन्हों 45 दिन के अंदर कारपोरेशन के कन्ना से कोई जू नहीं रही। कारपोरेशन सराहने थले मेयर साहब सराहने के थले हाथ दे के सुते रहे। अखीर 4 तरीक ए टू जेड कंपनी ने काम करना बंद करता। और इस तो पहला बड़ी अजीब स्थिति है, जब ए टू जेड कंपनी नाल करार होया लिफ्टिंग का, सैग्रीगेशन का, हर चीज़ का, उहदे सीवी नू सबमिट नहीं कर सकते, उहदे बावजूद भी वह कंपनी ने सबमिट किया और कारपोरेशन देखती रही। आपस इन्होंने झगड़े होंगे रहे, उन्हें बार बार काम रोकया भी गया, दोबारा फिर इन्होंने आपस सलाह हो गई, दोबारा फिर काम शुरू हो गया। अखीर 24 दिसंबर उन्हें कहता जी मैं काम नहीं कर, तुम जितों मर्जी कराओ। इन्हां 45 दिन के अंदर लुधियाना म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कुछ नहीं किया। 45 दिन के बाद अगर ए टू जेड कंपनी कूड़ा लिफ्टिंग बंद कर देती है, सैग्रीगेशन छड़ देती है, बंद कर देती है, तो लुधियाने शहर का की हाल। लेकिन एक क्लास से भी सबलैट अगे ए टू जेड नहीं दे सकती थी, लेकिन वो पता लग गया कि सब कॉन्ट्रैक्ट चलता सी। इन्हां दे दिमाग च रहा कि असी सब कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ी कंपनी काम करती पई है असी उहदे तों ही अगे काम करा। ये पिछले हफ्ते रोला पिया, तुहाडे अखबारों वाले ने बहुत कुछ लिखा, उहदे बाद मैं कहा कि मेयर साहब शायद अपने करिंदियां नूं ठेके दे करके काम कराना चाहते हैं, जिदा इन्होंने लीफ बेल च भी धांधली की है, सो उस तरह का काम कराना चाहते। जब तुसी कोई चीज़ बदलनी है, किसी दूसरी कंपनी नूं ठेका देना है, उहदे वास्ते हाउस की मीटिंग बुलानी जरूरी है, टेंडर देना जरूरी है, टेंडर कढ़ना जरूरी है, टेंडर लेना जरूरी है। लेकिन उन मैनू लग्या ऐसा भी सब चीज़ों को ताकत है, उहदे वास्ते मैं मंग की भी ये काम ठीक नहीं तुसी करदे पे भाई, इहनू ठीक करो। 12 मीट्रिक टन कूड़ा रोज लुधियाने, 11 तो 12 मीट्रिक टन गारबेज रोज़ हुंदी है, कूड़ा रोज हुंदा है। अगर जे कल नूं कोई दिक्कत आ गई तो लुधियाना कूड़े दे ढेर च खड़ा हो। धांधली ना करो, 4 बंदे अंदर बह करके ना वंड पाओ, सारे हाउस नूं बुलाओ, आल पार्टी मीटिंग करो, उहदे बाद टेंडर लाओ, कंपनियां नूं बुलाओ। इन्होंने उहदा जवाब दिता कि जी असीं इक तां जिस रेट ते काम करा रहे हैं उस रेट ते काम करावांगे, असीं इको की कहिंदे कर रहे हैं तजर्बा कर रहे, उस रेट पर काम करावे। और भाजपा का आधार खिसक गया, वो किसान अंदोलन और इस किसान अंदोलन करके भाजपा का आधार खिसक गया,
इस करके एहो जिहियां गल्लां करके जिला प्रधान इदां दियां गल्लां करके अपने आप नूं आधार प्रभु बनाना चाहुंदा। ठीक है जी, मैं उहदा कोई जवाब नहीं दित्ता भी ठीक है एक दिन बाद तुसीं मीटिंग बुलाई है उहदे च की करांगे। कल जब वो मीटिंग इन्होंने की उस कंपनी के नाल जिथों लिफ्टिंग कराती सी ए टू जेड कंपनी, उन्हें कहता जी मैं इस रेट से लिफ्टिंग नहीं कर। लिफ्टिंग नहीं करनी, चलो लिफ्टिंग हो भी जाए, वैसे तो कारपोरेशन के कोल अपने 5500 मुलाजम है सफाई कर्मचारी, उसके अलावा टिप्पर भी है, लिफ्टिंग मशीन भी है, सब चीज है। पहला कारपोरेशन करती सी 5500 कर्मचारी घट नहीं होंगे, करो आप करो क्यों नहीं कराते? और जिस कंपनी नू बी कंपनी तो लिफ्टिंग कराना चाहते हो क्या सैग्रीगेशन करूगी? जनता की अखा जो धूल झोंकर के उदे तो सिर्फ लिफ्टिंग करा करके ताजपुर रोड से तुम दिल्ली की तरह जिदा आप दिल्ली च बढ़िए तो कूड़े के ढेर लगे है उस तरह के डंप बनाना चाहते हो लुधियाने के अंदर? कोई थोड़े को सैग्रीगेशन कर नहीं, कोई किसी कम का थोड़े को कुछ नहीं। एक बार बस लोगों की अखा धूल झोंक दो, कूड़ा चकाई जाओ, 325 रुपए के हिसाब ना पैसे दे जाओ तो उत्थे जाके कूड़े के ढेर ला दो। आने वाले टाइम से की होगा लुधियाने का हाल साल दो साल के अंदर जो सैग्रीगेट ना ला सके? उदे वास्ते चुप चुपीते इन्होंने चार बंद ने अंदर मीटिंग की, मेयर साहब, सीनियर डिप्टी मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, कमिश्नर साहब, चार बंद ने बह के फैसला कर लिया। जिहड़ा मेयर दो दिन पहला यह कहता सी भाजपा का प्रधान गलत गल करता, असीं तां पुराने रेटां ते ही कूड़ा लिफ्ट करावांगे, सारा काम करावांगे, और अज साफ तुसीं अखबारां वाले ने लिखा कल दी मीटिंग च उह कंपनी पुराने रेटां ते लिफ्टिंग करन नूं बंद कर। तो भाजपा का प्रधान जमीन लभदा कि जमीन तुसीं लभदे हो? सो ये जिहड़े काम है मेयर साहब लुधियाने के हाल से रहम करो, आल पार्टी मीटिंग बुलाओ, हाउस बुलाओ, और जिहड़ी कंपनियां लिफ्टिंग भी कर सकती हैं, सैग्रीगेशन भी कर सकती हैं, प्रोसैसिंग भी कर सकती हैं, उन्होंने टेंडर लो। और जे तुसी किसी कली लिफ्टिंग करने वाली कंपनी के टेंडर लाए तो असी वह चलन नहीं देंगे, असी तुहाडा विरोध करांगे सड़क पर आ के। कारण कि कले लिफ्टिंग करने वाला जिहड़ा तंग है मैनू उहदे च लगता कि ना कि इन्हां दी मिली भगत है, और जिहड़ा कंपनी ने इन्हां तों बकाया इन्हां वल कढ़िया उहदे चों इक इन्हां दे बंदे दा पेट्रोल पंप है जिथों कंपनी दी इन्हां दीआं गड्डियां पेट्रोल पाउंदियां सी, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, 2.5 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਤਾ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਢੇਰ ਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ 11 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜੋ 1200 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੀਮ ਇੰਦੌਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਅਰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ,
या जाके घूम के आ गए, गेड़ा मार के आ गए। ओदे तर्ज ते तुसी लुधियाना भी स्मार्ट सिटी है, इंदौर भी स्मार्ट सिटी है, उतो तुसी दी सीख के आए हो, जाके हफ्ता ला के आए हो, कुछ वही इंप्लीमेंट कर देंगे इतने। लेकिन नहीं, मैनू ना कितने ए जहा लगता है कि मेयर साहब ना मनमोहन सिंह है, जिदा वह भी पिछों कोई होर उन्होंने चलाता सी, ये भी इन्हों पिछों कोई होर ही चला, इन्हों के अपने हाथ बस कुछ है। सो ये सारिया गल्ला जिहड़ियां असी, और दूसरा जिन्ना भी स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अधीन रुपया लुधियाना आ रहा है, लुधिया कारपोरेशन कितने ना कि अपने ढंग को दूसरी जगह इस्तेमाल कर रही है। अपने सामने बड़े घपले है 45 करोड़ रुपया जगराओं वाले पुल के ठेकेदार को फालतू चला गया, बाद च इन्होंने मिल जुल के उन्होंने रफा दफा कर लिया, 45 लाख रुपया चला गया, बाद चो रफा दफा कर, कोई उन्होंने पूछने वाला नहीं। सो इस तरह के काम ये करते हैं दोस्तों। मेयर साहब मुझे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कहना चाहना कि साड़ी खोई हुई जमीन असी तलाशनी है, किदा तलाशनी है, की करनी है, वो सन 2022 चो भी तुहाडे नाल गल करांगे, तुहानू दिखावांगे। और अज दा अखबार पंजाब केसरी जो लिखता है कि पंजाब च 20% सीटा ते लड़न वाली भाजपा अज 60% सीटा ते लड़ रही है, और जिस तरह कांग्रेसी किसानां दा झंडा चक के गुंडागर्दी कर रहे हैं, साडे अध्यक्ष ते अज भी हमला होया फिरोजपुर के अंदर, साडे लोगों नूं रोज धमकियां दित्तियां जांदियां फिरोजपुर के अंदर होवे, चाहे हुशियारपुर के अंदर होवे, चाहे बठिंडे के अंदर होवे, चाहे बरनाले के अंदर होवे, चाहे कपूरथले के अंदर होवे, चाहे कितने भी होवे, हर जगह गुंडागर्दी का नंगा नाच कांग्रेस के वर्कर किसानों का झंडा चक के और पुलिस नूं नाल लेके करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको डरने वाला नहीं। इस करके मेयर साहब तुसी साडी जमीन तलाशन दी ना सोचो, साडे कोल जमीन बेही काई, लेकिन ये सारिया गल्लां करके तुसी विषय डाइवर्ट ना करो। जो असी कहने हैं लुधियाने की शान बनी रहे, लुधियाने च आबो हवा ठीक रहे, लुधियाना स्मार्ट सिटी है, इहदा एक स्थान बने सफाई दे विच, ओ काम करो जिस काम लई तुहानू उत्थे बिठाया, बाकी चिंता तुसी छड़ दो, तुहाडे आका नू तुसी होर ढंग नाल खुश कर लियो कितें। लेकिन ये असी होण नहीं देना, जे तुसी कल्ली लिफ्टिंग लई ठेका दिता उत्थे कूड़े सिट्टे, तुसी हाउस नू विश्वास च ना लिता, रिजाइन करके चली गई है, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। अब आगे होने वाले समय में क्या होता है इसके बारे सोचा जाएगा। देखिए जो आगे बढ़ रहे हैं, ये बाइट लेने के, इसको बाइट बोलते हैं बच्चों, बाइट होती है ये माइक आगे रख दिए गए हैं सभी के, और ये अब इसमें जो पहले बातें गई थी दोबारा ये पूछेंगे सभी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं लोग। प्रेस वालों ने अपने अपने माइक रख दिया, ऐसे होता है जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में तो ऐसे माइक आगे रख दिए जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं जो नेता लोग होते हैं। तो देखिए जैसे वो एक ऊपर एक जाके अब ले रहे हैं सब बाइट पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, और उसके बाद जो चाय का है जहाँ पर हमने चाय पी ली है, और जहाँ पर ये ब्रेड वगैरह है जो पकौड़ा वगैरह प्रेस वालों को खिलाया जा रहा है, जो कि मैंने जो चाय पी ली है वो पकौड़ा वगैरह भी खा लिया है। हम धीरे धीरे फिर नीचे को जा रहे हैं, और देखें हमने अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जो यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि ये जो हमारे भाजपा वाले हैं वो कहते हैं कि जो लिफ्टिंग है कूड़ा होता है ना जहाँ पर सेग्रीगेशन बोलते हैं छांटना, प्लास्टिक एक तरफ और जो सब्जी वगैरह होती हैं जो गीला जो होता है कूड़ा वगैरह होता है वो दूसरी तरफ होता है। और देखिए इसी में हम भाजपा की जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ दफ्तर से नीचे आए थे, तो हम थोड़ा सा चौड़े बाजार का भी आपको सीन दिखा दें, क्योंकि लोग जो हमारी बातें सुन सुन कर बोर होने लग जाते हैं, तो आप बोर ना हो इसलिए हम आपको कुछ ना कुछ बीच में दिखाते रहते हैं। देखिए ये लोग जो अभी जो ऑटो चल रहे हैं, ये लुधियाना शहर में ऑटो है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है जहाँ पर उनको परमिशन है, बाकी दूसरे ऑटो जो हैं वो बिना सवारी के इधर नहीं आ सकते। तो देखिए जहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये चौड़ा बाजार है, घंटाघर है, तो जहाँ पर ये बीजेपी का जो ऑफिस है उसकी फर्स्ट फ्लोर पर हम जहाँ पर खड़े हैं लुधियाना शहर में खड़े हैं, तो हौजरी जो हौजरी का जितना भी यहाँ कारोबार है लुधियाना शहर में होता है। और देखिए जहाँ लोकल बस है जो नीचे खड़ी है हमारे, और हम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ चुके हैं, वही घंटाघर जहाँ से हम चले थे फिर वहीं पहुँच गए हैं।
और देखा कि हमने जो ऊपर बीजेपी के जो प्रधान है लुधियाना शहर के, उन्होंने दोष लगाया है जो नगर निगम कॉरपोरेशन पर है कि यहाँ पर जो कहीं क्विंटल जो कहीं मीट्रिक टन जो कूड़ा होता है डेली इकट्ठा होता है यहाँ पर, तो उसको उठाने वाली जो कंपनी थी वो रिजाइन करके चली गई है। अभी तक नई कंपनी का कोई अभी पता नहीं कौन उठाएगा, लेकिन उनका कहना है कि जो नई कंपनी आएगी उसे सेग्रीगेशन कहते हैं, भी जो छांट करना है कूड़े को छांटते हैं उसका भी बीच में बेरवा होना चाहिए कि ये कंपनी जो उठाएगी कूड़ा तो उसको छंटाई के बाद ही उसको ठिकाने पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आज इन्होंने जो कुछ बोला है, मेयर साहब पर दोष लगाया, कमिश्नर पर दोष लगाया और लुधियाना शहर वासियों पर दोष लगाया जो चुप करके घरों में बैठे हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि लुधियाना शहर की जो हमारे हिंदुस्तान की जनता बोलते नहीं है, कूड़े में रह लेंगे गंद में रह लेंगे, लेकिन इनमें आवाज़ उठाने की आज तक भी हिम्मत नहीं आई है। वो तो आवाज़ तब उठाते हैं जब किसी पार्टी का मसला होता है, पार्टी के साथ चलते हैं लेकिन जनता के साथ पब्लिक के साथ आज तक हमारी जनता ने हमारी पब्लिक ने चलना नहीं सीखा है। जब तक लोग पब्लिक जो है हमारी जब कोई बुराई होती है जब कोई प्रॉब्लम होती है जब तक उसके साथ वो नहीं चलेंगे, उसको हटाने के लिए कोई विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। पहले पब्लिक को जागना होगा, समाज को जागना होगा कि हमारे जो समाज में क्या गलत हो रहा है उसको कैसे सुधारना है। जब तक ये परंपरा हमारे देश में नहीं चलती, हमारे लुधियाना शहर में नहीं चलती, तो ऐसे ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी, लोगों को सुनाते रहेंगे, अखबारों में खबरें लगती रहेंगी, वीडियो बनती रहेंगी, लेकिन हमें बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।